हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फहद खान और आप देख रहे हैं हमारा हम सबका अपना यूट्यूब चैनल मोहम्मद फहद खान। तो भाई सुबह के नहीं, आज आपको पता क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको, आपके घर वालों को और सब देखने वालों को और मेरे सब चाहने वालों को फहद की तरफ से ईद मुबारक। तो लो भाई, आपके भाई ने बैक कैम से शूट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप ये जो मैं शूट कर रहा हूँ बैक कैम से ये ज़्यादा बेहतर है या फ्रंट कैम वाला ज़्यादा बेहतर है। और अभी फजर की नमाज़ हमने अदा कर दी है और अब हमने जाना है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसके लिए तैयारियाँ करनी है। और पहली चीज़ स्टार्ट में कि आज की ईद जो हमने प्लान किया था वो सारी फैमिली ने इकट्ठे होकर प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स का वीज़ा नहीं हो पाया। तो हम आज अपने भाइयों बीवियों और एक बीवी के साथ वो वाली मस्जिद है जिसमें हमने नमाज़ पढ़नी है, वो देखो आवाम दौड़ती दौड़ती जा रही है। बस अब हम भी पहुँचते हैं। मैं ज़रा बाकी आवाम को उठा लूँ। भजन तैयार हो गए जी? जल्दी जल्दी तैयार हो गए, बस निकले। सांबे किधर है साम भाई? यार जब नमाज हो गई ये तो बस थोड़ा सा जरूरी है। लो भी रेडी हो गए हम, तस्वीर भी पकड़ ली। दो ही जाने वाले हैं अभी भैया। शाम भी टोपी रख के तैयार हो गए। ये मेरे भाई नमाज पढ़ के आके विश करते हैं। जान नमाजें हमने उठा ली। ये टिक्का सोच सुना करते हैं। सामने वाली मस्जिद कहाँ मिलेगी जमात? उधर से ही आ रही। जो भी मिल जाए करीब जाने देंगे अंदर मस्जिद में। तो यार जांबी फिर इधर से ना लेफ्ट ले लो। इधर से लेफ्ट भाई पैदल से तो हमें नहीं लग रहा था कि हमें मिल जाएगा, तो टैक्सी मिल गई। तो भाई ईद की नमाज़ हमारी डन हो गई है। जान नमाज हमारे साथ ही रोड पे हमने नमाज़ पढ़ी है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे औरतें भी नमाज़ पढ़ने आती हैं और वो भी मस्जिद के अंदर। और बस अभी सेल्फ़ी टाइम चल रहा है, सारे के सारे सेल्फीज़ ले रहे हैं, हम भी सेल्फीज़ ले रहे हैं। ये अच्छा हुआ कि हमें टैक्सी मिल गई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता कि हम नमाज़ पे पहुँच पाते। और ट्रैफिक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितनी है। भाई नमाज़ पढ़ ली है, हमने वापस आ रहे हैं। क्या होता साम भी अगर आप इस टाइम तक नमाज़ पढ़ लेते तो? इस टाइम पर मैं हीरे की दुकान पे होता। हीरे की दुकान पे क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग पी रहा। अच्छा, और शाम देवी बता रहे थे कि वो इस टाइम पे ना हम साये आ रहे होते और हम साये आके आके मिल रहे होते। और क्या होता है शर्मिंद, जिसे ना भी मिलना होता वो भी मिल रहा होता था। बंदा शर्मिंदगी से चक्कर दे के निकलने की कोशिश कर रहा होता है इस टाइम पे, और इधर कोई हमें पूछता ही नहीं है। हाय परदेसियो, परदेसों की ईद ये। असाम भाई ने अपनी टिकटॉक फैमिली बना लिया है, टिकटॉक पर लाइव आना शुरू हो गए। हम लोग इस टाइम पे पैदल मार्च कर रहे हैं घर की जाने। घर काफ़ी दूर है, मुझे लगता है टैक्सी ले लेंगे। जीरे की दुकान से सिगरेट पी और बोतल पी के फिर मोटरसाइकिल किक मारना, फिर खालू जी पे जाके पान खाना। सुभान अल्लाह, वो पाकिस्तान की ईद है। ये कोई ईद है?
इधर अभी हम जाएंगे कपड़े चेंज करेंगे लेट क्यों अभी? अभी हमने बकरा लेने ही ना। ओ हाँ, अभी बकरा लेने जाना हमने गाइस। दुबई में बकरा लेने जाएंगे, बकरा लेके उधर ही छोड़ के गोश्त ले आएंगे, खत्म। घर ही नहीं लेके आना, किसी को पता ही ना चले कुछ लेकर आए नहीं लेके। ईद भाई नमाज पढ़ने के बाद हमने कॉल की हुई है दोस्त को, वो आएगा और फिर हम जाएंगे दुबई की बकरा मंडी और आप देखेंगे बकरा मंडी कैसी है। और वहाँ से हम एक बकरा लेंगे, बकरा लेकर हम स्लॉटर हाउस पहुँचेंगे, स्लॉटर हाउस से उसके हम छोटे छोटे पीस करवा के। यार पाकिस्तान में भूंडी स्टार्ट होती है रात के टाइम और इधर ईद नमाज के फौरन बाद ही भूंडी स्टार्ट हो जाती है, तो भूंडी की टेंशन नहीं है कि ईद होती है रात को आपने उधर जाना है, एसएस वर्ल्ड जाना है, आपने गुजार सादिक जाना है, भूंडी करना है, वो सिस्टम नहीं है। इधर आप रोड पे भूंडी कर सकते हो इजीली। आप क्या कहना पसंद करेंगे? मेरा कोई कोई जवाब नहीं है। क्यों सही है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के आए हैं और अपने पास सिस्टम्स रेडी, तो वापस आ गए हैं और खीर खा ली है, नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ पर बालकनी में फोटोशूट शुरू हो गया। ईद बोरिंग होना शुरू हुई थी कि अश्विन मेरे पास आ गया और बाकी सारे घर वाले सो रहे हैं। हसाम भाई और काशिक जो हैं वो लेने गए हुए हैं बकरा कुर्बानी के लिए। फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू बॉट। सो अश्विन आ गया और अब हमने कैरम सेट कर दिया और अश्विन के साथ होगा कैरम भाई, दो दो हाथ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्रो प्लेयर वर्सेस बिगिनर, दो दो हाथ। फील्ड इज रेडी, जियो जियो भुट्टो। एक दफ़ा में तीन डाल दिया भाई लड़के ने। तो भाई शाम के 7:30 हो चुके हैं और हम लोग सो के उठ गए और अब अश्विन आया। अश्विन से ईद मुबारक। ईद मुबारक तो अब अश्विन आया और हम लोग जा रहे हैं दुबई से अजमान। अजमान है, अली भाई ने बुलाया हमें कि हम पार्टी वगैरह कर रहे हैं कुछ, तो हम वहाँ जाएंगे अजमान। और उससे पहले बॉक्स पार्क जाना है, बॉक्स पार्क में हमने पॉन वगैरह से मिलना है, ईदी मिलनी है उनको। और मेरे साथ हसाम भाई हैं, मेरे साथ काशिफ है और इनका तो पता ही होगा ये अश्विन है। हाँ अश्विन को तो ऑडियंस जानती है। तो मिलते हैं फिर हम बॉक्स पार्क में पहले ही रुक के और उसके बाद फिर हम मिलेंगे अजमान। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई जान, ईद मुबारक। व्लॉग व्लॉग बन रहा है। मैं नहीं, कपड़े चेंज करके आ रहा हूं फिर। ईद मुबारक हो भाई। नो ठंडा तो वो कुछ हो ना लाए। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अजमान में बुफे करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड्स कैफे और ये अभी अजमान में ही है और रात के 11 बज गए हैं। इस टाइम नींद भी आ रही है
लेकिन अभी हम लोग जूस लेंगे और जूस लेने के बाद हम लोग वापस जाएंगे। एक घंटे की ड्राइव है हमारी अजमान से दुबई तक। ईद मुबारक। आज की रात आपकी ईद की रात को खूबसूरत और सूफी नाइट बनाने के लिए पाकिस्तान से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शहर लाहौर से दानिश इरफान कवाल आए हैं। मैं कहता हूं आपकी क्लैप के साथ उनको स्टेज पे बुलाएं। दानिश इरफान कवाल, आपकी भरपूर क्लैप की आवाज आनी चाहिए। रहमत की निगाहों का इशारा और दुनिया से कोई शहर आप खुदा ना मांगो। क्यों दुनिया की वफा झूठ सहारे हफले भाई। एक बज चुके हैं और मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके अजमान में हम लोगों ने स्टे किया ऑलमोस्ट 3 hours, बुफे किया, उसके बाद जो आपने ये देखी नाइट पाकिस्तान के मशहूर कवाल आए हुए थे जिन्हें हम नहीं जानते थे। और make us, you know, have a good Eid night bullshit, and now they are going to Norway tomorrow. Better they shouldn't have stopped in Ajman only, they should have directly gone to Norway, bloody shit. So ye hua hamare sath, lekin overall jo hamara on aaj hamare sath ja rahe hain Sport City, to aaj ka din Eid ka first day hamara ikhtitam pazeer hota hai. Aur next day milenge hum naye vlog ke sath, dekhte rahiye Fahad Khan vlogs.